गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द्वितीय पाठा स्वर्ण काका। आज मैं आपको स्वर्ण काका चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पूरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना विद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या चैका द्विता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक विनम्र स्वभाव वाली सुशील और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुल निक्षिप्य पुत्रियम पुत्रीम अधिदेश। एक बार उसकी माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को यह आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खर्वेग्यो रक्त। सूर्य की गर्मी से में सूखते हुए चावलों की तुम पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम एको विचित्रा काका समुद्रीय ताम उपाजगाम। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आ गया। नैता दृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकास्तया पूर्व दृष्टः। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रावर्चत तंडुलान मां भक्षे। उसको हटाते हुए उसने उससे प्रार्थना की कि चावलों को तुम मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रवाच माँ सुचा। सोने के पंखों वाला व कौवा बोला, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पिप्पल वृक्ष मनु त्वाग आगंतव्यम। तुम सूर्योदय के से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके समीप आ जाना। अहम तुभ्यम तुंडल तंडुल मूल्यम दास्यम। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे। प्रसन्नता से भरी हुई इस लड़की को रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोप उपस्थित था। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहां पहुंच गई। वृक्षस्यो परिविलोक्य सा चा सा आश्चर्य चकिता संजाता वह तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ सोने का महल है। यदा काका सहित्वा प्रभूतत तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम अहो बाले। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर बाहर देखा। अरे बालिका, तुम आ गई हो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उतम साम्रमयम वा। तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। ताम्र सोपानम एव कन्या प्रावोचत अहम निर्धनम मातु दुरिता अस्मि। उस लड़की ने कहा, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूं। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसदाद। परंतु वह सोने की सीढ़ी से उस सोने के भवन में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनी संजितानी दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक भवन में अजीबो गरीब वस्तुओं को देखकर वह हैरान हो गई। शांताम था विलोक्य काका प्रा पूर्व लघु प्रात रासा क्रियताम वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यामि करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पहले नाश्ता कर लो। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्र स्थालाम स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। लड़की बोली, मैं गरीब हूं और तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम
भोजनम परिवेशितम। परंतु वह कन्या और भी आश्चर्यचकित हो गई जब उसने देखा कि सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा है। नैतादृक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम तिष्ठामि यत्व सर्वदा च अत्र एव तिष्ठ। परम तव माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ वहाँ घर पे अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यांतरित्रो मंजुषां निस्सार्यं ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषां एकां लघुत्तमां मंजुषां प्रगृह बालिकया कैतकथितं मिदे मदीयत् तण्डुलानां मूल्यम्। ऐसा कहकर कव्वे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उससे कहा, हे कन्या, अपनी इच्छा से 1 बक्सा ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावल की उचित कीमत। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महाअर्हाणी हीरकाणी वीरोकिसा प्रहर्षिता तद्धनिका च संजाता। घर आकर जब उसने उस बक्से को खोला तब उसमें उस बहुत कीमती बहुमूल्य हीरो को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसी, उसकी भी एक बेटी थी। इस्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इस्यावश उसने भी उस सोने के कव्वे का रहस्य जान लिया था। सूर्या तपे तंडुलाम निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को सुखाने के लिए फैलाकर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए वहां बैठा दिया। तया स्वर्ण काका तंडुलान भक्षयन तामापि तत्रैव अकारयत। वैसे ही सोने के पंख वाले कव्वे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा स काकम निर्भस्यन्ति प्रागोचर। भो नीच का अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयत। सुबह वहां जाकर वह कव्वे को बुरा भला कहती हुई बोली, हे नीच कव्वे, मैं आ गई हूं, मुझे चावल का मूल्य दो। काका अब्रवीत। कव्वा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए भी सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तुम बताओ कि सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्विता बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, परम स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। घमंडी लड़की बोली, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊंगी, परंतु सोने के कव्वे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने अयकारयत। सोने के कव्वे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही दिया। प्रतिनिमित्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यां त्रिस्तो मंजुषा तत्पुरा समुच्छिता। वापस लौटते समय सोने के कव्वे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवति। उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी से पेटी ले ली। गृहम आगत्य सा हर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत्स्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकिता। घर आकर जब उस लड़की ने उस संदूक को खोला तो उसने एक भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। उस लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम प्रदर्ज्यत। उसके बाद उसने हमेशा के लिए लालच छोड़ दिया।